दुपट्टे में छुपा लो। नहीं पता, नहीं पता इसको, लेके यहाँ बैठ जाओ। अरे उसको पता लग गया, छुपाए रखो। उसने देख लिया, नहीं है उसमें, अब उसने चेक कर लिया। दोस्तों सुबह हो गई है और माँ बेटी का खेल चालू है। माँ ने बेटी को दबा दिया है और मार रही है। ये देखो ऐसे खेल रही है अपनी माँ के साथ। अभी बाहर आने के लिए पूरी तैयार है, वहीं से अपनी माँ को पंजे मारेगी। अभी कैंडी भी खेल रही है उसके साथ। दिवाली पे घर में बम आया बेबी, छोटा बम, बिजली बम है। तो दोस्तों ये था सुबह सुबह का दिवाली का नजारा, माँ बेटी का खेल। वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। मैं नहा चुका हूँ और अभी मैंने कपड़े तो नॉर्मल पहने, बेबी भी चाय पी रही है। छोटा बेबी और मम्मा का खेल आपने देख लिया, दिवाली के दिन सुबह सुबह क्या बम फोड़े इन्होंने। हमने तो आपको थोड़ा सा दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, तो वो ड्रामा हुआ है माँ बेटी का सुबह। बता नहीं सकती जो मतलब ये कर रही है ना दोनों, बॉन्डिंग है ना, कमाल है। अब उसको अपनी माँ के साथ खेलना और माँ पूरा सपोर्ट कर रही है खेलने में। थोड़ी देर में आप लोग को मम्मी पापा से भी मिलवाता हूँ, तब तक आप लोग शुरू कीजिए अपनी दिवाली। खैर जब ब्लॉग आएगा तो आपकी दिवाली शुरू हो चुकी होगी। कुत्ता पजामा, ये सब भावना का फेवरेट मग है, कुत्ता और उसके पीछे पजामा। देखो ना कुत्ता कैसा, देखो ना, ये तो भेड़िया है। नहीं नहीं कुत्ता है, कुत्ते ने पजामा पहना हुआ है। हो गया तुम दोनों का खो खो, खेल लिया तुम लोगों ने पकड़म पकड़ाई, अभी सो जाएगी वो। तो जी सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, सब लोगों ने आलू के पराठे खा लिए हैं। फेवर सबसे हैप्पी दिवाली सुन लो। मम्मी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। पापा देखो हैप्पी दिवाली कर रहे हैं चेरी के साथ, चेरी जो चोरी की बॉल लाई थी। दीपावली की सबको हार्दिक बधाई। ये चेरी उसी बॉल से खेल रही है, पापा उसी से खिला रहे चोरी की बॉल से। और ये देखो छोटा बेबी अब इनके बीच में ही सोता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चेरी अपनी बॉल लेके आके उसके ऊपर बैठने वाली थी, अभी किसी तरह बचाया गया छोटा बेबी को। और ये उसकी माँ यहाँ पहरेदारी कर रही है। दिवाली पे लोग अपने घर में नई नई चीजें खरीद के लाते हैं, चेरी चोरी की बॉल लेके आई है दिवाली पे। और सोचो दिवाली पे जिसके घर में चोरी हुई होगी कितना गलत है ये, जिसके घर की बॉल चोरी हुई है। अरे यार तुम लोग चोरी का इल्जाम मत लगाओ बच्ची के ऊपर, ये बॉल खोई हुई थी, बच्चों से ही खो गई होगी, उठाया नहीं होगा उन्होंने। हाँ। और ये बिचारी चल गई, ये घूमने गई और इसको इसको रास्ते में मिल गया तो ले आइए, रास्ते में छोड़ देती कोई और ले लेता फिर क्या करते। पापा आप चोरी को बढ़ावा दे रहे हो, चोरी को बढ़ावा दे रहे। तो सोसाइटी के जितने भी बच्चे हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर आपको पता है कि ये बॉल आपकी, तो अब आके घर से ले जा सकते हो अपनी बॉल। अरे ये किसी दिन इसी को बॉल समझ के ना उछाल दे, कर सकती है। एक दिन जरा से घूम रही, उसके बाद से देखो अपना लिया, पैरा दे रही और ये चपरा करने के चक्कर में। हाँ ये बॉल लेके जाके सीधा उसके ऊपर बैठ रही थी, उसको लगा बैठी तो है। ये होगा तो बहुत क्लोज फाइट होगा इन सबों का अगर हो सकता। हाँ और इधर कोको नहा रहा है दिवाली के दिन, सफाई हो रही है। मम्मी से पूछो साड़ी पहन रही है या सलवार कमीज पहन रही है शाम में, मैं उस हिसाब से डिसाइड करूं। सब पूछ रही है आप साड़ी पहनोगी शाम को सलवार कमीज? साड़ी पहनूंगी, वही वाली। वही वाली कौन सी? जो मिली है गिफ्ट में। अब पापा वही कुर्ता पजामा पहनेंगे, ले आएंगे एक ही साड़ी वही लेके आएंगे जो स्वास्तिका ने दिए। हाँ हाँ, अब वही कुर्ता पजामा पापा पहनेंगे। अच्छा, मैंने तो वो करवा चौथ पे पहन लिया, मैं क्या पहनूं? नया है कुछ और पहन लो, नया चाहे पुराना, कुर्ता पजामा हो तो कौन है? हाँ नहीं तो अच्छा। हाँ हाँ मैंने कुछ ऑर्डर किया था अमेजोन से, स्पीकर वगैरह। हाँ हाँ हो गया अपने घर का सामान है बेटा, बच्चा उठ जाएगा, मसी है तू उसकी। अरे भाई क्या हो जाता है ऐसा, घर में कोई चीज आती है तो ऐसा करते हैं कोई। आ जाओ इधर कैंडी, आप अपने बेबी के पास जाओ चलो। अरे मैंने तो बहुत छोटा सा ऑर्डर किया था, ये इतना बड़ा है तो मैं डर गया देख के, पहाड़ दे गए तो। अरे तुम्हारा तो दो स्पीकर वहाँ भी पड़े हुए हैं, ऑर्डर किया हुआ है दिल्ली में। हाँ डेढ़ साल से रखा हुआ है ऐसे कबाड़ी में देने के लिए। ये कभी ऑर्डर कर दिया तुमने? मेरे को पता भी नहीं, पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा था। हो सकता है डब्बा ही बड़ा हो, व्हाइट मंगाया था ब्लैक दे रहे हैं। तो ब्लैक तो वैसे किसी काम का नहीं है। मैंने ग्रे मंगाया था, ग्रे है तो ग्रे ही है, ग्रे है ना। हाँ लेकिन मंगाया क्यों था ग्रे? नहीं खोल के और इमीडिएट बेसिस पे रिटर्न कर दो और इसका व्हाइट मंगाओ। नहीं खोल के तो आप देख लो कि क्या है ये। तो जी हम लोग आ गए हैं घर से बाहर थोड़ी मिठाई लेने, और मिठाई के लिए बहुत टाइम लगेगा, लग रहा है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बट ठीक है। पापा वहाँ पे कुछ सामान खरीदने, माला वाला, फूल वूल, पूजा का, हम आ गए मिठाई लेने। तो जी मैं एकदम तैयार हो गई हूँ दिवाली के लिए, शाम की पूजा के लिए, और मैंने सलवार कमीज पहना है, सिंपल सा सलवार कमीज पहना है, बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा साड़ी वगैरह का मन नहीं था। पहले मैंने सोचा था मैं साड़ी पहन लूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं मैं सलवार कमीज ही पहनना चाहती हूँ। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये मैंने पहले भी गणपति पे शायद पहना हुआ है, और इसका जो दुपट्टा है ये वो दुपट्टा है जो हमने हमारी शादी पे वो क्या नहीं वो फेरों के लिए जब बांधते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब जो फेरों के लिए बांधते हैं, नहीं एक पिंक दुपट्टे के साथ एक और ये दुपट्टा बांध के लगाया था, तो ये पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आज जरा यूज कर लिया जाए इसको। आई थिंक आई गेस इट्स लुकिंग नाइस, बट ठीक है सिंपल सा लुक है। और अभी नाश आता तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ इसका। अभी
अविनाश आ गया मेरे तुमने भी नहीं देखा ना, एक सेकंड अविनाश आ गया तो मैं सारी लाइट्स में आपको दिखा देती हूँ। मैं कब से आ गया हूँ, तुमने बताया नहीं। सब सुन रहा हूँ मैं, बाहर लाइट लगा रहा हूँ। एक सेकंड देखो, पहले मेरे को दिखाओ कैसी लग रही हूँ। एक मिनट, लाइट गलत हो जाएगी। क्या कर क्या रहे हो? लाइट लगा रहा हूँ। अच्छा ये पकड़ो और मेरे को दिखाओ। अरे वाह ये तो बहुत सही लग रहा है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है यार ये। अच्छा? वो व्हाइट भी एक्चुअल व्हाइट नहीं और रेड भी एक्चुअल रेड नहीं है। तुमको पता ही क्या कौन सा दुपट्टा है? कौन सा? ये हमारी शादी के रात में जब वो फेरे होते हैं तो उससे पहले नहीं, क्या कहते हैं उसको, गठबंधन के लिए ये दुपट्टा। अरे मैंने कहा आज पहन लेती हूं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, पता है? अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा रेडी हो गए? ठीक लग रहा है। गले का भी अच्छा लग रहा है। मैंने वही मम्मी ने दिया था मुझे। अरे तुम तो बहुत अच्छा तैयार हो गई यार, विद इन नो टाइम। ये मेरी मम्मी ने शादी के टाइम पे दिया था, ये दिया था, ये आज मैं पूरा मतलब गोल्ड में लिपटी हुई हूं। नई वाली रिंग कहाँ है? अरे वाह आज मन रही दिवाली है। अच्छी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत जल्दी तैयार हो गई, बहुत अच्छी। मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा ना, गोल्ड जब पहनना होता है तो कुछ करना ही नहीं होता। गोल्ड इटसेल्फ आई थिंक, मतलब सोचो मैं गोल्ड पहनती ही नहीं हूँ और आज मैं उस दिन भी करवा चौथ में गोल्ड पहन के घूम रही थी, आज भी गोल्ड पहना हुआ मैंने। जरा लाइट देख लो बाहर आके, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आऊँ कहाँ? आ रहा हूँ, एक मिनट लाइट देख। बहुत अच्छा तैयार हुई है। वेरी नाइस। नाइस ना, सिंपल एंड नाइस। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, मजाक में ऐसा लग रहा है। मजाक मतलब तुमने बहुत कॉन्शियसली नहीं चूज किया था ये? नहीं मैंने चूज किया। अरे मैं ऐसे देख रही थी कि क्या पहनूं। पहले तो साड़ी पहननी थी ना। हाँ। मैंने तो साड़ी के लिए मुझे टू मच लगा, मैंने कहा नहीं यार मेरे को आज नहीं पहननी साड़ी। नहीं अच्छा लग रहा है। अब दिखाओ तुम कब तक रेडी हो जाओगे? बस अब होना ही है। यहाँ पे कोई लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा कि ये लगा दे। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। बढ़िया हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बड़ा अंधेरा सा लग रहा था मुझे। अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं अभी नहाने ही जाने वाला था कि इतनी देर में सोसाइटी में से किसी का मैसेज आया कि जी आपका जो कुत्ता है हमारे बच्चे की बॉल चुरा के ले गया, वापस करो। तो बॉल चुरा के लेके गई, ब्लॉग देख के पता चल गया है, बॉल देख ली ब्लॉग में, अब वो बच्चा लेने के लिए आ रहा है। अब ये यही बैठी है, जैसे इसको पता चलेगा मैंने BALL वहाँ से उठाई तो मतलब सोच लो इतना कलेश होगा, इस बच्चे को लेने नहीं देगी, क्या करे। बच्चा जैसे घंटी बजाएगा पहले चेरी को छुपाना पड़ेगा, फिर उसके पीठ पीछे उठा के बॉल देनी पड़ेगी। अब हार्ड वर्क तो इसने भी किया है ना चुराने में यार, बुरा तो उसे भी लगेगा। दुपट्टे में छुपा लो। नहीं पता इसको, लेके यहाँ बैठ जाओ। अरे उसको पता लग गया। छुपाए रखो। मैंने छुपा दिया। बच्चे को बोलो ना जल्दी आए, बच्चा आएगा ना 10 मिनट में, वो रो रही है, क्या करूँ। उसको समझ में आया क्या? देखो उसको समझ में आया। उसको पता लग गया भाई। चलो किसी और की है ना, हम नहीं दे सकते आपको। चेक कर लिया। उसने देख लिया नहीं है उसमें, अब उसने चेक कर लिया। यहाँ पे हो रही है सारी सजावट की तैयारी, इस बार मम्मी कर रही है सारी सजावट, पापा लगा रहे हैं यहाँ पे शुभ लाभ। मेरे ख्याल से पापा इसके नीचे ही आ जाएगा ना शुभ लाभ। थोड़ा सा नीचे पापा, थोड़ा सा लाभ को थोड़ा सा नीचे लाओ। हाँ बस बस यहाँ से पीछे जाओगे आगे आओगे? मेरे ख्याल से पीछे जाओ ना यहाँ से। नहीं तो जाने के हो गए ना, अंदर आने का बनाना ना, आते हुए पीछे जाते हुए। अरे भाई नहीं नहीं ऐसे बनाया तुमने यहाँ पे, पीछे आऊंगा उसके बाद पीछे आ जाओ। क्यों? उससे क्या होगा? तुम्हारे हाथ और वो खराब नहीं होंगे ना, पीछे को एक बार निकल जाओगे, मैं ये बोल रही हूँ। तो जी बस पूजा में थोड़ी देर बची है तो उससे पहले हम लोग लक्ष्मी जी के पैर बना रहे हैं यहाँ पे घर के बाहर, मतलब अंदर आते हुए घर में यहाँ पे। हाँ ये लक्ष्मी जी के पैर इधर को थोड़ा और इधर। तो जी अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं और पूजा करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मम्मी पापा ने क्या पहना हुआ है, क्योंकि अभी पूजा का टाइम निकलता जा रहा है, पूजा होते ही मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। ताप भव बंधनी हारिणी, जो ये पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्र हीन अरु संपत्ति हीना, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो जी पूजा हमारी हो गई, आरती हो गई, अब आप लोग देख लो पापा ने पहना हुआ ये कुर्ता। पापा ये वही कुर्ता है? हाँ ये वही वाला कुर्ता है। ये जो गिफ्ट मिला था पापा को कुर्ता स्वास्तिका से वाला है, और ये मम्मी की वही साड़ी है गिफ्ट वाली, और एकदम कलर कोऑर्डिनेट हो गया मम्मी पापा का। ये देखो ये पापा के कुर्ते का कलर, ये मम्मी की साड़ी का कलर, और ये अब दिए जल रहे हैं। तीनों को टीका लगेगा अभी, सबसे पहले कोको से स्टार्ट होगा। चलो
कितना चुंदर लग रहा है मेरा बाबू। आ जाओ। वो पहले लगवाने आ गई अरे उससे पीछे से आके लगवा भी ली। उससे पीछे से आके लगवा लिया चुपचाप लड़की। इसको मम्मी बहुत शौक है, वो घूम के पहले आई है। बिना क्यों गया भाई? हाँ इसको अरे कितनी खुश है टीका लगवा के। इसको आरती लेने का अगले जन्म में इनको इंसान बना देना। इसको आरती लेने का पूरा शौक है। अरे तेरे अगले जन्म में अभी कुत्ते थोड़ी होंगे। अरे भैया कुत्ता ही रहे ठीक है। इंसान बनना, इंसान का जीवन बहुत कठिन है भाई। ये देखो इनको अगले जन्म में भगवान भालू बना देना। ये वही है। नहीं नहीं सब इंसान बने। चलो सब इंसान बने सब। छोटे बेबी को तो लगाना नहीं है तो हम लोग सब लगवा लेते हैं मम्मी से छोटा छोटा टीका। ये कैंडी बहुत डिवोशनल डॉग है पूरा। टीका आरती के लिए हमेशा आगे रहती है। पापा को लगा दो। चलो 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 आरती ले लो सब। चलो लेंगे सब आरती लेंगे। कैंडी को तो आरती चाहिए। चेरी चेरी आरती लेना आगे। ये लेती जा रही है भाई आरती कैंडी। वो बार बार लेती जा रही है ना। दो बार ले ली कैंडी ने आरती। चेरू को आरती दे दो। भोली रहे ऐसे ही भोली भाली। हमें भी दे दो मम्मी आरती। सदा सुहागन रहो बेटा। खुश रहो सुखी रहो। जोड़ी बनी रहे तुम दोनों की। सदा खुश रहो। पापा को क्या दे रही हो? पापा अपने आप ले लेंगे। पापा को कौन सा आशीर्वाद है? मैं अपने ले लूं। जय लक्ष्मी माता सबके ऊपर अपना आशीर्वाद। मम्मी सब्सक्राइबर्स को भी दे दो सबको लक्ष्मी जी की आरती। सब सब्सक्राइबर के घर में बरकत करे लक्ष्मी माता। सबको आगे बढ़ाए के घर में खुशियाँ दे। सबकी जोड़ी बनी रहे। वो ये पता क्या वेट कर रही है? कोई कुछ खाने को मिल रहा है इसके बाद? उसका तो ये इसके बाद मिलता है ना। मिलेगा ना उसको लग रहा है। तो जी छोटा बेबी को टीका तो नहीं लगा सकते, उसको एलर्जी हो सकती है। थोड़ी सी आरती जरूर देंगे आज। इधर ले आओ ना मम्मी को। छोटा बेबी आरती ले रहा है। वो बासी लिए इसने अभी। जय लक्ष्मी माता रक्षा करना इसका। इसका भविष्य उज्जवल हो छोटा बेबी का। छोटा मम्मी देखना जरा क्या कर रही है। ले ले अभी भी सो के उठी है। मैं गई हूँ ना अंदर फटक से आंखें खोली है। पूजा करने लिया तब से सो रही थी। चलो सुला दो वापस नहीं उठ जाएगी तो बहुत तंग करेगी। तो जी हमने सब कुछ कर लिया। दिवाली मना ली, खाना खा लिया। अब आ रही है कचाकच नींद। कचाकच कसाकस नींद। तो मैं इस नींद में आपको बाय करने के लिए आई हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। क्रैकर फ्री दिवाली है। जो पटाखे बज रहे हैं इट्स नॉट गुड। नॉट गुड फॉर स्ट्रे डॉग्स, नॉट गुड फॉर एनिमल्स। डोंट डू दिस। जो भी कर रहे हो बाकी आपकी मर्जी है। बाकी तो नमस्ते, आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। मेरा जो कर्तव्य था मैंने सबको बताया अभी। हाँ भाई कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि हमें क्रैकर्स फोड़ने के लिए मना क्यों कर रहे हो। मेरा कर्तव्य किसी को मना नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे घर में जो छोटी बेबी है उसकी बहुत बुरी हालत है क्रैकर्स की वजह से। तो हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो बता रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको मन कर रहा है फोड़िए, मन कर रहा है मत फोड़िए। आपके अपने लिए है जो भी है, अच्छा है या बुरा है। गुड नाइट।